हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये फ्रंट साइड का बटन पट्टी कैसे हम बनाएंगे और इसमें कैसे हम बटन पट्टी में होल करेंगे ये मैं आपको आज बताऊंगी। ये देखिए, लेफ़्ट साइड का मैंने आपको बता दिया है बॉर्डर कैसे बनाना है, कैसे हमें बटन पट्टी बनानी है और इसकी जो ये चेन है कैसे हमें इसको बिल्कुल एकदम सीधी सीधी रखनी है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है लेफ़्ट साइड का। अब मैं फ्रंट साइड का बताऊंगी कि कैसे हम इसका होल बनाएंगे और कैसे बटन पट्टी को सेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर देखिए 10 ये मैंने बटन पट्टी के ले लिए थे और बाकी मैंने बॉर्डर के लिए छोड़ दिए थे। तो जैसे मैंने जितने फंदे मैंने ये लेफ़्ट साइड में लिए हैं उतने ही फंदे मैंने इसमें राइट साइड में लिए हैं। और ये देखिए बॉर्डर हमारा, जैसे देखिए जैसे हमारा बॉर्डर हमने यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ था और इस साइड में हमें यहाँ से पहले हमें ये बटन पट्टी बनानी है होल वाली, उसके बाद हमें बॉर्डर का डिज़ाइन बनाना है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये 10 जो हमारे 10 फंदे हैं इसमें हमने, ये देखिए इसमें पहली सिलाई में हमने 2 फंदे देखिए सीधे बनाएंगे। पहले जब हम स्टार्ट करेंगे 2 फंदे सीधे बनाने के बाद 7 फंदे उल्टे और 1 फंदा ये जो चेन हमारी बन रही है ये सीधा बना लेंगे। और बाकी जैसे हमने बॉर्डर सेट किया है इसको सीधा करके 2 का 1 करना है, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर 1 फंदा सीधा, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर 1 फंदा सीधा, फिर 2 फंदे उल्टे और यहाँ पर 1 फंदा हमने सीधा बनाकर यहाँ पर जाली डालनी है, फिर 1 फंदा सीधा बनाकर जाली डालनी है। ऐसे जैसे हमने इसमें सेट किया था सेम हमें इसमें भी वैसे ही बनाना है। और उसके बाद देखिए, पहले हमने 2 फंदे सीधे, फिर 7 फंदे उल्टे, फिर 1 फंदा सीधा, उसके बाद ये पूरी रो हमें पहले उल्टी उल्टी बना लेनी है, फिर उल्टी तरफ से भी हमें पूरी रो उल्टी उल्टी बना के तैयार कर लेनी है। फिर हम जब हम थर्ड रो पे आएंगे तब हमें देखिए 1 फंदा हमने सीधा बना लेना है, ये 1 फंदा हमने ऐसे उतार लेना है। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाएंगे। देखिए ये जो है हम बटन पट्टी ये राइट साइड वाली है इसको हमें देखिए कैसे बनाएंगे, ये वाला फंदा हम ऐसे उतार लेंगे, ठीक है, और ये वाला ऐसे उतार लेंगे और उसके बाद देखिए धागे को अपनी ओर करेंगे और 7 फंदे 1 2 3 4। अब देखिए हमें यहाँ पे बटन ये होल भी बनाना है तो अब हम इसका गैप हम देख लेंगे कि कितनी रो के बाद हमने ये बटन होल बनाना है। जैसे आपको जितनी रो के बाद बटन होल बनाना है उतनी आप काउंट कर लीजिए, 1 2 ऐसे काउंट करके फिर उतने पे ही आपको बनाना, तभी आपका बटन सही जगह पर लग पाएगा। अब देखिए मैंने ये 2 फंदे ऐसे उतार के और 4 उल्टे बुन लिए हैं। आप देखिए अब मुझे होल बनाने के लिए देखिए मैं क्या करूँगी, इसको ऐसे यहाँ पर देखिए फंदा ले लिया मैंने और ये 2 फंदे मैं इसको ऐसे 2 का 1 कर दूँगी। देखिए यहाँ पर 1 फंदा बढ़ गया और मैंने यहाँ 2 का 1 कर दिया तो हमारे बराबर रहेंगे फंदे हमारे। और ये 1 फंदा और उल्टा बना लिया, फिर देखिए धागे को पीछे करेंगे और ये वाला फंदा ऐसे उतार लेंगे, फिर धागे को अपनी ओर करेंगे और अब जैसे हमारा डिज़ाइन बन रहा था हमें वैसे ही डिज़ाइन बनाना है। देखिए इसको सीधा बना लेंगे, इसको सीधा बनाने के बाद अब यहाँ जाली डालेंगे हम और 1 फंदा देखिए सीधा बना लेंगे। जैसे हमारा डिज़ाइन बन रहा है वैसे ही हमें बनाकर तैयार कर लेना है। डिज़ाइन की वीडियो मैंने पहले भी डाली हुई है, ये देखिए अब ये मैंने देखिए 1 2 3 4 5 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी ओर करेंगे, फिर से यहाँ जाली डालते हुए 1 फंदा सीधा बना लेंगे या फिर से धागे को अपनी ओर करेंगे 3 का 1 कर लेंगे। तो चलिए मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये सीधी रो मैंने कंप्लीट कर ली है डिज़ाइन अपना, यहाँ से ये मैंने बटन पट्टी बनाई है, उसके बाद मैंने ये जो डिज़ाइन डाला हुआ है वो कंप्लीट किया है। उसके बाद देखिए ये रो हम उल्टी उल्टी ही बनाएंगे। चलिए इसको मैं यहाँ तक बना के फिर दिखाती हूँ कि कैसे हम बटन पट्टी को बनाएंगे। तो देखिए यहाँ तक मैंने ये उल्टी उल्टी सिलाई बुन ली है, अब हम ये बटन पट्टी कैसे बनाएंगे। देखिए ये हमें उल्टा उल्टा
बुन लेना है पूरा, ये देखिए। और जो ये हमारा हमने यहाँ पे ये डाली थी जाली, इसको भी उल्टा बुन लेंगे। और ये देखिए ये वाला, इनको सबको हमने उल्टा बुन लेना है। ये देखिए ये पूरी रो हमने उल्टी उल्टी बनाकर तैयार कर ली। और देखिए हमारा यहाँ पे होल भी बन गया है, ये देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए बटन होल हमारा बन गया है। तो चलिए एक बारी मैं और दिखा देती हूँ आपको कैसे बटन पट्टी बनाएंगे। देखिए पहले हमने ऐसे उतारना है, फिर सिलाई को ऐसे रखना है, ऐसे उतार लेना है ये दो फंदे, फिर धागे को अपनी ओर करके सात फंदे उल्टे बनाने हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसमें बटन होल नहीं बनाएंगे क्योंकि अब हमने काउंट कर लेना है कितने रो के बाद हमने बटन होल बनाना है। तो इसको काउंट करके हम उतने ही गैप के अनुसार हम बटन होल बनाएंगे। अब देखिए 7 मैंने उल्टे बना लिए, फिर धागे को पीछे करेंगे और एक फंदा ऐसे उतार लेंगे, ये वाला जो चेन हमारी बनती जाएगी। फिर देखिए हम धागे को पीछे ही रहने देंगे और अब 1, 2, 3, 4, 5 बनाने के बाद फिर देखिए कैसे हमने धागे को अपनी ओर करना है और यहाँ पर 3 का 1 करना है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमें जाली डालनी है और 3 का 1 भी करना है। धागे को ऐसे लपेट के और 3 का 1 कर देंगे और धागे को अपनी ओर रहने देंगे और यहाँ पे इसको जाली डालते हुए सीधा बुन लेंगे। ये देखिए 3 का 1 भी हो गया और जाली भी डल गई दोनों तरफ, और इसको सीधा बना लेंगे अब 7 फंदे। जाली वाला फंदा भी हमने बुन लेना है। फिर से ऐसे ही बनाएंगे, धागे को अपनी ओर लपेट के, ये देखिए जाली भी डल गई और 3 का 1 भी हो गया। अपनी ओर रहने देंगे जाली डालते हुए, 7 फंदे बना लेंगे फिर से। चलिए इसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको उल्टी रो में दिखाती हूँ। ये देखिए उल्टी रो, ये हमें पूरी उल्टी उल्टी बनाकर तैयार कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये बटन पट्टी भी हमें पूरी उल्टी उल्टी बनाकर तैयार कर लेनी है। जो उल्टी रो है वो हमारी पूरी उल्टी उल्टी बनेगी। ये देखिए पूरी उल्टी उल्टी बनाकर हमने तैयार कर ली। ये देखिए एक बारी और मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे बटन पट्टी हम बनाएंगे। ये देखिए इसकी चेन हमारी बिल्कुल अच्छी आएगी अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो, और ये ढीली नहीं पड़ती, ये बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही रहती है। क्योंकि अगर आप ऐसी चेन नहीं बनाओगे तो ये ऐसे मुड़ जाती है या ऐसे मुड़ जाते हैं जो बटन पट्टी होती है, और ऐसे चेन से आप बनाओगे तो ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगी। देखिए पहले हमें ऐसे लेना है, सिलाई को ऐसे लेना है, फिर सिलाई को हमें ऐसे मोड़ना है और ऐसे दोनों फंदे हमने ऐसे उतार लेने, फिर धागे को अपनी ओर करके 7 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये 7 फंदे उल्टे बना लिए, फिर धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा ऐसे उतार लेंगे, फिर हमें अपना जो डिज़ाइन हम बना रहे हैं वो बनाना है। ये देखिए फिर धागे को अपनी ओर करेंगे और 3 फंदे सीधे बना लेंगे, 1, 2, 3। जैसे हम डिज़ाइन बना रहे हैं वैसे उसके बाद हमें बनाना है। तो फ्रेंड्स अगर मेरा आपको बताने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो देखिए ऐसे ही हमें पूरी ये चेन बना लेनी है, और हमें जितना हमने यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग जितना हमने यहाँ पर मोटे की कटिंग की थी उसके उतना बनाकर फिर हमें मोटे की कटिंग भी करनी है। उसकी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और ये इसमें
हम डिज़ाइन कैसे डालते हैं इस बॉर्डर के बाद, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।